पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह देश और प्रदेश के शीर्ष एवं सर्वमान्य नेता हैं। भाजपा और कांग्रेस में उनके मुकाबले में कोई नहीं। एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल राजनीति में वापसी कर रहे हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के लिए बेहतरीन बात है। उपशब्द हिमाचल प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने सुजानपुर शहर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहे। विधायक राणा ने वीरभद्र सिंह के चुनाव प्रचार में उतरने वाली बात का स्वागत किया है और कहा कि 60 वर्ष की राजनीति का लंबा तजुर्बा केवल इसी शख्सियत के पास है, जो अपने आप में गर्व वाली बात है। विधायक राजेंद्र राणा ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वित्त राज्य मंत्री केवल वाहवाही लूटने के लिए यहां पहुंचते हैं, करते कुछ नहीं। पूर्व सरकार के कार्यों का शुभारंभ करके केवल अपना नाम चमकाने की कोशिश करते हैं, जो सही बात नहीं है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि देश के खजाने का कार्यभार संभालने वाले वित्त राज्य मंत्री को केवल नरेंद्र मोदी ने खजाने की चाबियां संभालने तक ही सीमित रखा है। अपने संसदीय क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई बड़ी चीज लाने में उनका कोई योगदान नहीं। एक सवाल के जवाब में विधायक ने कहा कि वित्त राज्य मंत्री कहते हैं कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में ही सरकार ने केवल फट्टे ही लगाए हैं, कोई कार्य नहीं किया, तो उन्हें चश्मा लगाकर पूरे संसदीय क्षेत्र के साथ साथ सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करना चाहिए, ताकि जो विकास उनके घर से शुरू होता हुआ सुजानपुर तक पहुंचा है उन्हें देख सकें। सुजानपुर में दर्जनों ऐसे कार्य हैं जो पूर्व सरकार ने किए हैं और उनका जनता आज फायदा भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि रास्ते में जब उनकी गाड़ी चलती है तो कहीं भी HP 84 की गाड़ी देखें तो समझ लेना सुजानपुर में विकास हुआ है। सुजानपुर में आए तो मिनी सचिवालय के भवन को देख लेना तो उन्हें लग जाएगा कि विकास हुआ है। सुजानपुर हमीरपुर की पुंगखट पर बनने वाले पुल को देखकर एहसास करें कि सुजानपुर में विकास हुआ है। टोनी देवी में तहसील परिसर पुलिस चौकी को देख लें तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि सुजानपुर में विकास हुआ है। लंबी सूची ऐसी विकास कार्यक्रम के पास है। अगर वित्त राज्य मंत्री को ये चाहिए होगी तो वे टाइप करवा कर उनके घर भेजेंगे। हमने कार्य किए हैं जिनका बखान भी हम कर रहे हैं। भाजपा ने कार्य रोके हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण शहर में बनने वाला टाउन हॉल है। उन्होंने कहा कि शहर में पक्की दुकानें बन रही हैं, जिसका स्वागत करते हैं, लेकिन सांसद एवं वित्त राज्य मंत्री ने उनके निर्माण में क्या योगदान दिया है, ये इलाके की जनता पूछ रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के परम मित्र ट्रंप की घर वापसी हो गई है और हिमाचल प्रदेश की आन बान और शान वीरभद्र सिंह की हिमाचल की राजनीति में एक बार फिर से सिंह बनकर मैदान में आ गए हैं। विधायक ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने उन्हें जो भी जिम्मेदारियां दी हैं, वे उनका बखूबी से निर्वहन कर रहे हैं। कांगड़ा जिला की 5 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी उन्हें बनाया गया है, जिसका वे शीघ्र दौरा करने वाले हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनावों में जो भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे उन्हें जिताया जाएगा। पंचायती राज चुनावों में भी पूरे प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होगी। जनता भाजपा के कार्यकाल से दुखी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को 3 साल का जश्न मनाने के बजाय प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि वे जनता की नजरों में सही नहीं उतर पाए। 3 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनकी वाहवाही हुई हो, लेकिन लोगों की जरूर हुई है। ऐसे में जश्न मनाने से पहले प्रदेश की जनता से माफी मांगना सत्तासीन भाजपा पार्टी सुनिश्चित करे। कांग्रेस में सर्वमान्य नेता है और वो इतने सीनियर हैं कि हिंदुस्तान में हर एक देश में मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी में और कांग्रेस में कोई उनसे सीनियर लीडर हो, जो लगातार पिछले 60 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हो, लगातार चुनाव लड़ रहे हो, लगातार चुनाव जीत रहे हो। हमें बड़ी खुशी है कि राजा वीरभद्र जी फिर से जो है प्रदेश के दौरे पर निकल रहे हैं, उससे कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी और कांग्रेस जन जो है उनको और ज़्यादा ताकत मिलेगी, क्योंकि राजा वीरभद्र जी ने पिछले 60 वर्ष में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक हिमाचल बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए राजा साहब का, वीरभद्र जी का निकलना जो है वो पार्टी के लिए बड़ा सुखद जो है और महत्वपूर्ण जो है वो एक खबर है। कहते हैं तो उनको एक मिनी सचिवालय दिखा देना था कि एक कांग्रेस पार्टी के समय की देन है और ये सारा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था और 3 साल में इसको जो डिले किया जा रहा है, एक कछुए की चाल चला हुआ है, तो उनको ये चश्मा भी दे देना था और चश्मे से वो नज़र भी मार लेते। और दूसरा,
ये जो बल्कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो रही है, ये जो गाड़ियां चल रही हैं, यहाँ पर SDM का दफ्तर स्थापित किया गया, ये भी उनको बता देना कि नज़र नहीं आती हैं तो भाई चश्मा लगा के HP 84 नंबर गाड़ियाँ देखें और इसका करें। दूसरा, इसके अलावा अगर उनको टाइम लगे तो रंगड़ पंचायत सबसे पिछड़ी पंचायत है, बैकवर्ड पंचायतों में इसका नाम आता है, वहाँ पर सन्नू जगह वहाँ देख लें, दराटी में देख लें, नागलंबर में देख लें, जहाँ बकरियाँ नहीं जाती थी वहाँ आज गाड़ियाँ जा रही हैं, सड़कों का निर्माण हुआ। और धूमल साहब चीफ मिनिस्टर रहे, दो बार चीफ मिनिस्टर रहे, चौरी में जाके देखें कि वहाँ पर बार बार लोग डिमांड करते थे कि चौरी में हॉस्पिटल जो है PHC बनना चाहिए, तो धूमल साहब बोलते थे कि नहीं हॉस्पिटल नहीं बन सकता है, ये मूंगफलियाँ नहीं हम जगह जगह बांट देंगे। तो आज चौरी में हॉस्पिटल भी बनाया गया है, बिल्डिंग भी बनाई गई है, डॉक्टर भी बैठते हैं। और उसके अलावा और देखना है तो उठपुर में चले जाएं, उठपुर में जो है हॉस्पिटल बनाया गया, जहां हॉस्पिटल के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने मना किया था, अगर किसी को शक है तो धूमल जी से जाके पूछ लें। इसके अलावा उनके अपने घर के पास देखना है तो वहां तहसील भवन देख लें, जिसका उद्घाटन करने के लिए सरकार के पास समय नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी ने मना के सरकार ने मना के दिया। और कुछ नजर आए तो वहां पुलिस की चौकी भी देख लें, इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल देख लें, यहाँ पे बाकी का काम उन्होंने रोक के रखा है, और ब्लेड का पुल भी साइड इंद्र से गुजरे तो वो भी कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है, लेनी होगी तो आप बता दें, मैं उनको टाइप करके भेजूँ।